भारत में हर साल करीब 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। प्लास्टिक कचरा के मामले में भारत को यूरोपीय संघ और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसलिए आज समय की मांग है कि पृथ्वी को बचाया जाए। इसी को ध्यान में रखकर अर्शिया डिंगरा नाम की 16 वर्षीय लड़की ने घर में बेकार पड़े वेस्ट मटीरियल से कुछ पेंटिंग्स बनाई जो नई पीढ़ी के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अर्शिया ने कुछ समय पहले करीब 15,000 किलो बेकार पड़े कागजों को इकट्ठा किया और उससे 5,000 नोटबुक बनाए और उसे ओपी भल्ला फाउंडेशन को दान कर दिया जो वंचित परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अर्शिया ने गरीब महिलाओं को पेंटिंग बनाना सिखाया जिससे महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा नाम अर्शिया ढिंगरा है, मैं श्रीराम स्कूल से, मैं 16 इयर्स की। जब मैं 12 साल की थी, मैं एक वो जो फरीदाबाद गुड़गांव वाला रास्ता है ना, तो मैं वहाँ से जा रही थी, तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा गार्बेज जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। और फिर मैंने उनसे जब जाके पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सिर्फ हाउस होल्ड का गार्बेज, सिर्फ ये घर से गार्बेज आ जाए जो इतना सारा है। तो मैंने सोचा अगर ये घर का है हम क्यों ना इसमें कुछ इम्पैक्ट करें, तो मैंने अपने घर से शुरू करा। फिर मैं दूसरों के घर जाके मैंने उन्हें बताया कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है और हमें करना चाहिए और दोनों अलग अलग बिन्स में डालना चाहिए, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट। और उनके घर से मैंने जो प्लास्टिक कलेक्ट करा जैसे पॉलीथीन बैग्स, मैगी के पैकेट्स, रैपर्स और ये सब, इसका मैंने मैट बनाया। और ये मैट बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों को भी दो जिनके पास कोई जगह नहीं है बैठने की या वो सब, तो फिर उन्हें जाके दिया। और ये घर के लिए भी यूज़ हो सकता है डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। मेरे को इसलिए मिली क्योंकि जब मैंने जाके देखा कि इतना सारा गार्बेज पड़ा हुआ है बाहर स्ट्रीट्स में और हर जगह, तो फिर मैंने देखा कि क्यों ना मैं इसे कलेक्ट करके कुछ चेंज करूँ, कि क्यों ना मेरा एक ही एम है कि मुझे अवेयरनेस करना है और अपने मदर अर्थ को वापस देना है, बिकॉज हमने इतना सारा पोल्यूशन कर दिया है। तो फिर आजकल आप जैसे डिजीजेज और ये सब भी देख रहे होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से। इस विचार को जो आपने साकार रूप दिया है, कितने समय पहले आरंभ हुआ था ये? ये जो मेरे को इंस्पिरेशन मिला वो मैं 12 साल की थी तब से मिला, और फिर उसके बाद ही मैंने शुरू कर दिया था ये सब। और एनजीओस के साथ भी मेरा 3-4 साल से कनेक्ट है और मैं उनकी हेल्प से भी ये कर पा रही हूँ। इसके साथ साथ आपकी और क्या प्रतिभा है, क्या कला है आपके अंदर? मेरे को आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इंडियन कल्चरल आर्ट। मैं इंडिया का कल्चर बाहर दिखाना चाहती हूँ, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे अगर आपने मेरी पेंटिंग्स देखी होंगी, मैं हर एक आर्ट फॉर्म लेकर आना चाहती हूँ आगे। क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मुझे लगता है कि जैसे एज ए यूथ हमें ये सब करना चाहिए, हमें वॉलंटियर करना चाहिए। जैसे मेरी एक वेबसाइट भी है, अगर आपको वॉलंटियर करना है तो आप मेरे साथ जुड़िए और हम इस इनिशिएटिव को और आगे लेके जा सकते हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड।